लाही बता पावर बिल किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर से रिक्वेस्ट करनी गई है कि इस पर से कोई वीडियो बनाई जाए। अक्सर अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि पावर हाउस सारे आकर के फोर्स करते हैं कि पावर बिल भरनी है, लेकिन पावर बिल हमारे घर पर आई नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हमें पावर बिल को नेट से डाउनलोड करके करवा करके उसको पावर बिल भरनी पड़ती है। हालांकि रिक्वेस्ट तो ये किया गया कि ऑनलाइन पावर बिल किस तरीके से हम भर सकते हैं, लेकिन इस पर से वीडियो अगले नेक्स्ट टाइम बनाई जाएगी। अभी फिलहाल ये वीडियो सिर्फ पर इस पर है कि हम ऑनलाइन अपनी पावर बिल किस तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। पावर बिल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो साइट है वो मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की साइट नहीं मालूम है तो सिंपल आप गूगल पे आकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखिए और उसके बाद अपनी स्टेट का नाम डाल करके एंटर दे दीजिए। तो जो भी ऑप्शन तुम्हारे सामने आएगा उसके अंदर से तुम्हें व्यू पे बिल इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको दो चीजों की मालूमात होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करके एंटर दे दिया, यहाँ पे व्यू पे बिल के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर ये इस तरीके का व्यू आया। इसमें मुझे जो है कंज्यूमर नंबर और बिल यूनिट, ये दो चीज की इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। अब ये दोनों चीज की इंफॉर्मेशन आपको आपकी पुरानी पावर बिल पे से मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में नाम के ऊपर जो है कंज्यूमर नंबर दिया होता है वो आपको कंज्यूमर नंबर के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है टाइप करना होगा। इसी तरीके से बिल यूनिट, ये हर इस शहर का जो है एक कोड होता है जो आपके बिल के राइट साइड में टॉप पर ऊपर छोटा सा लिखा होता है BU करके उसके आगे नंबर, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर फिर सबमिट करना होगा। आप सबमिट करोगे तो आपके सामने जो है सबसे लेटेस्ट बिल जो है वो दिखाई देगी। अब उसको देखना है तो आप एक्सप्लोरर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑनलाइन आपके सामने व्यू आ जाएगा। अगर आपको PDF में ओपन करना है तो आप PDF में भी ओपन कर सकते हो, वहां पर PDF का भी ऑप्शन है। अब रही बात कि इसको हमें डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो टॉप में ऊपर की जानिब प्रिंट एंड डाउनलोड का ऑप्शन देता है, हमें उस पर क्लिक करना होगा प्रिंट एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे और उसको प्रिंट करना होगा। अभी यहाँ पर जो लिस्ट आई है यहाँ पर मेरी जो पुरानी बिल्स है वो भी बता रहे हैं। अगर आपकी कोई गुम हो गई और आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप अपडेट देख करके अपनी पुरानी जो बिल है उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बिल का फॉर्मेट चेंज हुआ है, यहाँ पर अब इस तरीके से बिल जो है आएगी, यहाँ पर ऊपर जो है प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एंड डाउनलोड का। अगर हमें प्रिंट निकालनी है तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर से ज्वाइंट है तो आप इसको आराम से प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, आपका प्रिंट प्रीव्यू ये है, मतलब आप प्रिंट निकालोगे तो एक पेज पर इस तरीके का मैटर आएगा, दूसरे पेज पर इतना मैटर आएगा। यहाँ पर मेरी प्रिंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एप्सन का प्रिंटर है मेरे पास, नीचे बता रहा है कि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। अब मुझे दूसरी बिल अगर प्रिंट करनी है तो मैं दूसरी बिल का कंज्यूमर नंबर डालूंगा, बिल यूनिट नंबर जो है वही रहेगा। अगर एक ही शहर की बिल है तो बिल यूनिट नंबर भी वही रहेगा। फिर मैं इसको सबमिट करूंगा और जिस मंथ की मुझे निकालना है उस मंथ के सामने जो एक्सप्लोरर का आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दूंगा, वो बिल जो है व्यू हो जाएगी। और प्रिंट और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी प्रिंट भी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।